सामाजिक कार्यकर्ता एवं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने ग्रैंड एशिया न्यूज से खास चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कही। आइए देखते हैं के एस चौहान से हुई खास चर्चा। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में भाजपा की मीडिया प्रभारी के एस चौहान जी हैं और आज वो एक समाज सेवी के रूप में भी हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे मुद्दों पर हमसे वो चर्चा करेंगे, महिला संबंधी अपराध उनको रोकने के लिए किस तरह प्रयास करना चाहिए और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम उनसे सीधी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, और आप सभी को, आपके दर्शकों को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौहान सर, आप तो भाजपा की मीडिया प्रभारी हैं और राजनीति परिप्रेक्ष्य में एक जानी मानी शख्सियत है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज क्योंकि आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, तो कुछ सवाल आपसे जो करूंगी वो महिला संबंधी भी होंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि भाजपा पूरे देश में नारी सुरक्षा की बात करती है, लेकिन नारी सुरक्षा के लिए क्या भाजपा के पास कोई रोड मैप है? क्या उनके पास अधिकार दिलाने, उन्हें जागरूक करने कोई ऐसा मुद्दा है या ऐसा कोई बनाकर उन्होंने रखा हुआ है? जी देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, मोदी जी की ये सोच कि सोच से शौचालय ही बना है, वो ये देखते थे, उनको दुख होता था कि हमारी माताएं बहनें हमारी बेटियां जब बाहर शौच करने जाती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है, किसी का भी होगा। और वही शौचालय आज घर घर में है, हर लगभग 99% ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। तो शौचालय जो है वो बहुत अच्छा कदम था। और स्व सहायता समूह के कारण महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती हैं रोजगार के लिए और घर में ही रह के ये करना चाहती हैं, तो उसके लिए स्व सहायता समूह का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा उजागर है और करोड़ों महिलाएं इसका लाभ भी उठा रही हैं। तीसरा, जैसे कानून भी अभी बदले गए, 3 तरह कानून बदला गया जिसका बहुत ज़्यादा वर्ग विशेष से एक विरोध भी हुआ, लेकिन वो महिलाओं के हित में था, इस वजह से ये कानून लाया गया। बहुत सालों से अटका हुआ था ये, और महिलाओं की ये कौन व्यथा सुनता, जो कि महिलाएं बहुत ज्यादा इस कानून के कारण बहुत ज्यादा अक्षम महसूस करती थी अपने आप को बहुत डिपेंडेंट महसूस करती थी, वो कानून को तोड़ा गया। और आगे भी जो रोड मैप है वो जागरूकता के हिसाब से आज देखिए कि जागरूकता अभियान बहुत ज्यादा चलाए जा रहे हैं। आप साइबर क्राइम को देख लीजिए, साइबर क्राइम के लिए ये व्यवस्था की गई है कि हर जिले वाइज बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाए, इनके प्रोग्राम है। पहले हम लोग कहाँ देखते थे, आज से 7-8 साल पहले ये जागरूकता अभियान और महिलाओं को महिलाएं सशक्तिकरण के लिए कहाँ ऐसी प्रयास होते थे, आज ये प्रयास होते हैं और एक प्लानिंग होती है और एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्लानिंग तो हम कर लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत है, जो कि अभी केंद्र सरकार कर रही है, बहुत ही सख्ती से कर रही है। चौहान सर, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 10 दिन में 23,000 बूथों पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है, ये कैसे संभव सकेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक प्रक्रिया से गुजरती है, कोई भी आदमी किसी पे भी डिपेंड नहीं है और सब लोग एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, ये इसकी संगठनात्मक प्रक्रिया है, यही इसका संगठनात्मक ढांचा है। क्योंकि एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक इंसान के वर्ग के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये हर इंसान हर कार्यकर्ता अपना अपना वर्क कर रहा है, लेकिन ये सब चीजें अटैच है नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे बूथ लेवल हो गया, शक्ति केंद्र हो गया, अपने वार्ड वाइज हो गया, अपने जिला वाइज हो गया और राज्य वाइज हो गया और केंद्र वाइज हो गया। इसमें केंद्र के बड़े पदाधिकारी भी, विधायक सांसद और राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसद, सब से लेकर बूथ लेवल के लोग तक कनेक्ट है। इसमें सत्यापन करना है बड़े पदाधिकारियों को, जो कि हर बूथ में जाके वो सत्यापन करेंगे। ये सब प्रक्रिया 23,000 बूथों तक पहुंचने की प्रक्रिया तो एक ही दिन में हो सकती है, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा इतना
प्रॉपर है कि हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब प्यास लगे तब गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। ये होमवर्क पहले से ही होके रखता है कि हम अगर चाहें तो एक सेकंड के अंदर किसी भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से कोई भी बड़ा बड़ा पदाधिकारी कोई भी वो जाके बात कर सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है तुरंत, क्योंकि सबके फोन नंबर रहते हैं, सबके कॉन्टेक्ट रहते हैं। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री, वो भी एक बूथ के वो अध्यक्ष थे, वहां से लेकर उन्होंने अपना सफर एक अभी होम मिनिस्टर के लिए तक तय किया है। तो ये सब अटैच रहते हैं। आप भाजपा में जिम्मेदार पद में हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। समाज की दशा जो आजकल बिगड़ रही है उसके सुधार करने में किस तरह का प्रयास करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि भाजपा एक ऐसा नियम कानून भी बताती है या चलाती है कि मैं हम समाज सुधारक बनकर आगे आकर समाज को सुधारने का जिम्मा लेते हैं। समाज ही सुधर रहा है, समाज ही तो सुधर रहा है। आप समाज में चार ही काम होते हैं बस, शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और सुविधा। ये चार काम होते हैं। इन चार कामों में ही भारतीय जनता पार्टी उसमें काम कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पहले के क्वेश्चन में कि जागरूकता फैलाने का बहुत ज्यादा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस लिहाज से वो अपने कार्यकर्ताओं को साल भर काम देती है कि जो योजनाएं हैं वो आप जन जन तक पहुंचाएं, भले वो इसके माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। इस कोरोना काल में भी आप देखेंगे तो वर्चुअल मीटिंग्स होते रहती थी, हम जा नहीं पाते थे लेकिन वर्चुअल मीटिंग्स, और जैसे हमारे को मार्गदर्शन दिया जाता था हमारे को कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ता अपने हिसाब से उसका काम करते थे। जिस चीज का विरोध भी करना है हम सोशल मीडिया के थ्रू करते थे, जबकि एक एक जगह जमावड़ा नहीं हो सकता है, इस वजह से सोशल मीडिया के उसमें हम लोग सबको जागरूक करते थे। अभी आपने कोरोना काल की बात की, तो कोरोना काल से जुड़े भी कुछ सवालात ऐसे हैं, जैसे कि छोटे व्यापारी कोरोना की मार झेलने के बाद अभी तक उबर नहीं पाए हैं, अपने बिजनेस या व्यवसाय को अभी तक स्टेबल नहीं कर पाए हैं जी। उनके लिए आपका क्या विचार है, या उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए किस तरह का प्रयास करना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है, कर नहीं पाए हैं या कर नहीं रहे थे? एक्चुअली प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए एक छोटे छोटे जो ठेला कुंची वाले जो लोग हैं उनको दिया गया। जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई है उनको 50,000 रुपए दिया गया है, उनके परिवार को। ये सब केंद्र की ही योजनाएं हैं। मनरेगा जो चल रहा है आज जो मनरेगा चल रहा है वो केंद्र की योजना है। वो केंद्र पैसा देता है, एक एक रुपया केंद्र देता है उसके। तो ये सब चीजें हैं, और छोटे स्तर के जो लोग छोटे जो बिजनेस है उसके लिए 50,00,000 रुपए तक भी बिना सिक्योरिटी के अब लोन दिए जा रहे हैं। 10,00,000 तो वैसे ही दिए जा रहे हैं लोन, वो सिर्फ अप्लाई, और आप अगर एलिजिबल हैं उसमें तो बिना प्रतिभूति के, बिना किसी सिक्योरिटी के आप ले सकते हैं उसमें। तो मनी इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर आपको मनी होगी, अगर आपके पास मनी है तो आप बिल्कुल कोई भी व्यापार अच्छे से सुचारू रूप से कर सकते हैं। दो चीजें होती हैं, एक मनी होती है और दूसरा होता है उसमें नॉलेज लेना, एक्सपीरियंस लेना। तो जागरूकता के हिसाब से और ऐसी बहुत सारी क्लासेस चालू है पूरे देश भर में। यहाँ पर तो भूपेश बघेल की जब से सरकार आई है तब से यहाँ पर जो एक प्रशिक्षण शिविर चलते थे और प्रशिक्षण केंद्र चलते थे उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी स्टेट्स में चल रहे हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त योजना थी जो कि बंद की गई, इसको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में। रोजगार की बात करेंगे तो आजकल रोजगार में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल तो की जा रही है, लेकिन महिलाओं को इसमें फायदा तो उठा रही है रोजगार में आगे आकर के, लेकिन कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति में उसकी संलिप्तता पाई जा रही है।
क्या कारण है कि महिला संबंधी अपराध बढ़ रहे हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर हुआ, लेकिन महिलाएं जो है आगे आकर जो अपराध में भी संलिप्त होती दिखाई पड़ रही है, क्या कारण है इसका? देखिए, हाल ही में एक नया मुद्दा एक सटोरी महिला के लिए उभर कर आया था, आपने पेपर में पढ़ा भी होगा। जी 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 जी, क्या होता है जो अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी, पहले पुरुष करते थे ज्यादा अपराध, पुरुष क्योंकि बाहर निकलते थे, किसी भी चीज का बाहर निकलना, किसी भी चीज का होना वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव यह होता है कि महिला सबल बनती है, शक्तिशाली बनती है बाहर निकलने के बाद, खुद इंडिपेंडेंट बनती है, लेकिन वहीं पर हम लोग दूसरा अगर फेस देखेंगे कि नेगेटिव भी हो जाती है, किसी दूसरे धंधे में भी फंस जाती है, वो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाती है महिलाएं का आप देखेंगे ना, तो जैसे अगर कुंवारी रहती है महिला, तो बच्चियां जैसे कुंवारी रहती हैं तो अपने पिता से इन्फ्लुएंस्ड रहती है, वो अपने भाई से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी, और वहीं अगर आप उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद कुछ सालों के बाद आप देखेंगे तो जैसे पति का व्यवहार होता है वैसे ही महिला भी अपने आप को वैसे ही ढालने लग जाती है, महिला उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। महिला का एक प्राकृतिक नेचर है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो वैसे ही आपराधिक जगत में भी इन्फ्लुएंस हो जाती है जो महिलाएं इस प्रवृत्ति की होती हैं या जिनको उचित शिक्षा नहीं दी गई, अशिक्षा मान सकते हैं, अशिक्षा से आप जागरूक हो जाते हैं। शिक्षा सिर्फ एक काम करता है, वो क्या काम करता है, वो तौलने का काम करता है, तुला है, तो तुला जो है वो बैलेंस्ड होता है, मतलब आपको ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, ये आम तौलना चालू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिक्शे वाला है, अगर रिक्शे वाले का खाना खाने का समय हो गया तो अगर उसको कोई बोलेगा कि भाई आप चलिए, उसको कोई ग्राहक आ जाता है तो वो तौलेगा, अगर वो शिक्षित रिक्शे वाला है तो, कि मेरे को पहले ट्रिप लगा के आ जाना चाहिए, मैं खाना बाद में खा लूंगा, है ना, ये तौल के सही डिसीजन लेगा। लेकिन कोई अशिक्षित होगा तो उसको तौलना नहीं आएगा, अरे अभी तो खाना खाने का मेरा समय है, अभी नहीं जाता मैं, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो शिक्षा तौलना सिखाती है, बैलेंस सिखाती है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए महिलाओं को, बच्चियों को, आपको ताज्जुब होगा कि 2011 की सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से हमारी जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 साल ही पढ़ाई करती हैं। अगर आप एवरेज लगाएंगे ना सभी महिलाएं का, तो लगभग वो हमारे देश में लगभग 60 करोड़ महिलाएं, 60 से 65 करोड़ महिलाएं, वो मतलब वो सिर्फ 1.25 साल ही पढ़ाई करती हैं। 2011 में ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज स्थिति कुछ बेहतर है। अभी आपने पढ़ाई को लेकर हमसे बात की, तो अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस का छात्र विंग विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की रीति नीति यही रही है, वो कभी भी एक स्टैंड में नहीं रही है। राजीव गांधी जी को भी देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, सोनिया गांधी जी को देख लीजिए, एक स्टैंड में कभी नहीं रहे ये लोग। ये चित भी मेरा और पट भी मेरा करते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, समाज की बुराइयां, समाज की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। ऑफलाइन को भी साध लिया, मतलब साधने की कोशिश करते हैं, और ऑनलाइन जो एक मेंटलिटी रखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, तो उसको भी साधने की कोशिश करते हैं, एक तरफ विरोध करवा देते हैं। अरे भाई, विरोध ही आपको करवाना है तो आप सभी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है? या अगर आपका डिसीजन अगर सही है या गलत है तो आपका सिर्फ एक युवा विंग ही क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं कि हम आपके तरफ भी हैं, हम आपके तरफ भी हैं, है ये कहीं भी नहीं, किसी के तरफ भी नहीं है, ये अपने तरफ है। और कांग्रेस पार्टी की आज इतनी दुर्दशा इसलिए हुई है क्योंकि ये कांग्रेस, समाज तो छोड़ दीजिए, देश तो छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं है, वहां के पदाधिकारी
वो पदाधिकारी सिर्फ अपने लिए अपनी रोटियां राजनीतिक रोटियां कैसे सेक सकते हैं, अपना अपना जो लक्ष्य है कैसे साध सकते हैं, उसी पे ध्यान है बस। आप भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, भाजपा की आगे क्या रणनीतियां रहेगी, पार्टी का विस्तार के लिए, संगठनात्मक मजबूती के लिए क्या क्या रीति नीति अपनाएं? देखिए, कोई भी इंसान, जैसे आप के साथ कौन जुड़ता है, आपके साथ वो जुड़ता है जो आपकी सोच के साथ जुड़ता है। कोई भी इंसान के साथ हम जुड़ते हैं, कोई भी दल के साथ जुड़ते हैं, कोई भी परिवार के साथ जुड़ते हैं, कोई भी देश के साथ जुड़ते हैं अगर, तो उसकी सोच के कारण जुड़ते हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो एक है, उस विचारधारा के से ही लोग जुड़ते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है, यहाँ पर 10 लाख जो ये बना रही है, मेंबर्स बना रही है, सदस्यता अभियान चला रही है, उनके 3 महीने हो गए, अभी तक मेंबर्स नहीं बने। हमारे 56 लाख मेंबर्स यहां पर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उस विचारधारा के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। और 56 लाख मेंबर क्यों बन गए? क्योंकि हमारे को इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारे विचारधारा के, इस विचारधारा के साथ जुड़ जाएंगे। लोग विचारधारा के साथ ही जुड़ते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की सोच के साथ जुड़ सकते हैं, पर्टिकुलर इंसान की बहुत कम धारा है, लेकिन एक विचारधारा जो एक पार्टी की होती है, दल की होती है, उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि आज नहीं जुड़ रहे। और भारतीय जनता पार्टी में लोग उसकी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। और हमें बस ये करना है कि हमें जागरूकता बहुत ज्यादा फैलानी है। एक सवाल दुर्ग जिले से, आप दुर्ग जिले के रहवासी हैं, इन दिनों वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था काफी चरमराई हुई है। हाल ही में अभी ठगड़ा बांध के ऊपर जो पुल बना है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, धमदा नाका के ऊपर भी जो हुआ, और मुआवजे की मांग भी पीड़ितों द्वारा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, जो व्यवस्था वहाँ पर है? देखिए, शासन जो है, मैं बताया आपको कि कांग्रेस पार्टी जो अभी जो कर रही है, वो पार्टी के लिए भी नहीं कर रही, वो अपना अपना लक्ष्य साध रहे हैं, अपनी अपनी बस राजनीति कर रहे हैं। जैसे यहाँ के महापौर विधायक हैं, जो इनको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि धमदा नाका जो ओवरब्रिज है, अगर वहाँ पर, अगर जो फुटपाथ है, अगर वो थोड़ा सा ऊपर होता, मान लीजिए आप वहाँ पर का फुटपाथ देखिए कितना जर्जर हालत में है, और 6 इंच भी नहीं है फुटपाथ, तो उसका चक्कर उसमें चढ़ ही नहीं पाता था, ट्रक का चक्का नहीं चढ़ पाता, 90% बचाव हो जाता। अगर ऐसे 90% हम लोग 10 भी अगर टकराएंगे उससे, तो 10 में से एक ही गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, 9 गाड़ियां ऊपर नहीं चढ़ेंगी। फुटपाथ ऊपर होना चाहिए था, फुटपाथ अगर ऊपर होता तो ये भयानक दुर्घटना होती, दुर्घटना लेकिन बहुत कम होती। कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही, विभागीय लाभ। अगर शासन स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है, तो प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि शासन में पूछने वाला कोई नहीं है। किसी चीज में सिर्फ नाराजगी जाहिर करने के लिए, कि हम सिर्फ नाराजगी जाहिर करते हैं, इससे काम नहीं होता, काम करवाने से काम होता है। आपके नाराजगी से कोई किसी को, किसी की दुर्घटना नहीं खत्म नहीं हो जाएगी, किसी को लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के से होगा। और आपकी इतनी इमेजिनेशन होनी चाहिए, इतना विजन होना चाहिए कि आप आने वाली दुर्घटना, आने वाली चीजों को भांप के उसके हिसाब से अपना कदम बढ़ाएं। ये तो आपके पास है ही नहीं, और दुर्घटना घट भी जाती है उसके बाद भी कदम नहीं उठाया जाता। ये यहाँ की दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, हमारे विधायक जी हैं और महापौर जी हैं, बिल्कुल नादारत है। जाते जाते दर्शकों से महिला दिवस के उपलक्ष में महिलाओं के लिए कुछ टिप्स, या उनकी रक्षा करने वाले पुरुषों के लिए भी 2 शब्द कहें। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है, बहन है, माँ है, और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उनको, उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है।
किसी की भी रक्षा करने की जरूरत नहीं होती है, उसको इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत होती है, उसको शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने घर के कार्य देने चाहिए, ताकि वो घर के कार्य जो बाहर निकल के सब्जी लेने जाते हैं, तो महिलाओं को आप भेजिए, अपनी बेटियों को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाके वो सीखेंगी। जितना महिलाएं बाहर निकलेंगी उतने ही वो शक्तिशाली होंगी, सबल होंगी। जितनी महिलाएं शिक्षित होंगी, और ये सोच बहुत गलत है, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आप कितने भी धनाढ्य हो, लेकिन अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़े होना बिल्कुल सिखाइए। हम उनके भले परिवार में वो पैसा दे या ना दे, वो अपने ऊपर ही लगाए, परिवार का खर्चा हम चलाएं, पुरुष चलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट होना, उनको ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके क्या होता है, जब वो लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है, तब वो कहीं भी मैरिज होती है अगर उसकी, तो उसके ऊपर शोषण करने की लोग सोच भी नहीं सकते, अगर कोई ऐसी मानसिकता वाले हैं तो भी नहीं। शोषण उसी का होता है जो डिपेंडेंट होती है, इसलिए महिला को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारी महिलाएं सबल होंगी, हमें उनको सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबल बनाने की जरूरत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा के मीडिया प्रभारी होने के साथ एक समाज सेवी हैं, हमारे साथ कई मुद्दों पर आपने चर्चा की है, कई सारे सुझाव दिए हैं और उसके निराकरण भी बताए। तो ये थे भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी के एस चौहान जी, और समाज सेवी भी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे स्टूडियो आए, कई सारे मुद्दों पर हमसे चर्चा की, और महिलाओं को उन्होंने बधाइयाँ दी है उनके सशक्तिकरण को लेकर, और उनको सशक्त बताते हुए अपनी शुभकामनाएं भी दी है। तो अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमें नमस्कार।